साइंटिस्टों के अनुसार इस धरती पर जितने भी जीव थे 99.99% लुप्त हो चुके हैं। सिर्फ 0.1% प्रजाति ही बचे हैं और बाकी 99.99% प्रजाति लुप्त हो चुके हैं। और उन्हीं लुप्त हो चुके जीव में से एक मोसासॉरस और दूसरा टाइटानोबोवा। हालांकि ये जीव अब धरती पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मोसासॉरस और टाइटानोबोवा के बीच लड़ाई हुआ तो कौन जीतेगा। इस सवाल का जवाब पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको पता चलेगा मोसासॉरस जीतेगा या फिर टाइटानोबोवा। पहले इन दोनों का फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं। मोसासॉरस दो नाम से बना है। मोसा इसका मतलब एक रिवर का नाम है और सॉरस का मतलब है लिजर्ड। मोसासॉरस आज से करीब 82 मिलियन ईयर्स पहले इस धरती पर राज करता था और मोसासॉरस का लेंथ करीब 10 से 18 मीटर तक होता था और एक इंसान मोसासॉरस के आगे कुछ इस तरह दिखता है और मोसासॉरस का दांत करीब 25 मिलीमीटर से 30 मिलीमीटर तक होता था, जो कि अपने दुश्मन को दो टुकड़े करने के लिए काफी था। मोसासॉरस का एवरेज वेट करीब 14,000 किलो तक होता था और इनकी स्पीड करीब 48 किलोमीटर पर आवर तक होता था। मोसासॉरस पानी में करीब एक घंटे तक अपने सांस को रोक पाते थे, फिर सांस लेने के लिए इनको ऊपर आना पड़ता था। और मोसासॉरस का कान बहुत तेज था। और ये हुआ मोसासॉरस के बारे में। अब बात करते हैं टाइटानोबोवा की। टाइटानोबोवा आज से करीब 58 मिलियन साल पहले इस धरती पर रहता था और इनकी लंबाई करीब 12 मीटर तक होता था, जो कि मोसासॉरस से कम है। और इनका वेट करीब 1135 किलोग्राम तक होता था और जमीन पे इनकी स्पीड करीब 80 किलोमीटर पर आवर तक होता था, जो कि काफी तेज है। और पानी में 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में तैर सकते थे, जो कि मोसासॉरस से बहुत कम है। और टाइटानोबोवा आज के एनाकोंडा से आकार में 30 गुना बड़े थे। अब जानते हैं इन दोनों के बीच लड़ाई हुआ तो कौन जीतेगा। तो चलिए जानते हैं। मैं आपको पहले ही बताया था मोसासॉरस बहुत ही दूर से आवाज को सुन सकते हैं और जब टाइटानोबोवा पानी में उतरता है तुरंत मोसासॉरस को खतरे का महसूस होता है और टाइटानोबोवा अपनी सांस को पानी में बहुत देर तक रोक नहीं पाता है। और वही दूसरी तरफ मोसासॉरस अपनी सांस को पानी में बहुत देर तक रोक पाता था। और साइंटिस्टों के अनुसार अगर ये लड़ाई पानी के स्तर पर होता था तो टाइटानोबोवा जीतने की संभावना बहुत ज्यादा था, लेकिन मोसासॉरस इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। और मोसासॉरस काफी फ्लेक्सी होने के कारण वो टाइटानोबोवा से किसी भी तरह छुड़ा कर पानी की गहराई में चला जाता था। और मोसासॉरस का पीछे करते करते टाइटानोबोवा पानी के डीप प्लेस में चला जाएगा और पानी में अपनी सांस को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाने के कारण और पानी में क्लियरली ना देखने के कारण टाइटानोबोवा को बहुत तकलीफ होता था। और इसी कमजोरी का फायदा उठा के मोसासॉरस टाइटानोबोवा को हरा देता था। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आपको क्या लगता है इन दोनों के बीच लड़ाई हुआ तो कौन जीतेगा, हमें नीचे कमेंट करके बताओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करो और हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना।